हेलो व्हाट्स अप गाइस, दिस इज रोहित सुशेश। एंड आप में से काफी सारे लोगों ने ऑलरेडी ऑब्जर्व किया होगा कि जो सीपीयू कूलर मार्केट है, स्पेशली द सीपीयू लिक्विड कूलर मार्केट, वो काफी हद तक सैचुरेट हो चुकी है, बिकॉज सिंस अ लॉन्ग टाइम वी हैव नॉट सीन एनी इनोवेटिव प्रोडक्ट इन दिस कैटेगरी। बट ये कल की बात थी, आज वी हैव सम वेरी इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट्स फ्रॉम अ ब्रांड विच आई थिंक अ लॉट ऑफ यू ऑलरेडी नो, दैट इज लियानली। जी हाँ दोस्तों, लियानली के नए लिक्विड कूलर्स मार्केट में लॉन्च हो चुके हैं, एंड दीज आर नन अदर देन द गैलाहार्ड 2 ट्रिनिटी। यस, उसी गैलाहार्ड का ये अपग्रेड वर्जन है, विच हैज बीन ग्लोबली रिनाउंड, विच हैज बीन रेटेड एज वन ऑफ द मोस्ट एफिशियंट यू नो लिक्विड कूलर्स इन द मार्केट। उसी का जो अपग्रेड वर्जन है, दैट इज द गैलाहार्ड 2 ट्रिनिटी। ट्रिनिटी वर्ड यहाँ पे इसलिए यूज हुआ है बिकॉज इसके तीन वर्जन साइमल्टेनियसली अवेलेबल है मार्केट में, एंड दीज थ्री वर्जन आर नॉट ओनली डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ एस्थेटिक्स या लुक, ऑल ऑफ देम डिलीवर अ डिफरेंट स्केल ऑफ परफॉर्मेंस एज वेल, जिसके बारे में हम डेफिनेटली बात करेंगे इस वीडियो में। यहाँ पे हमारे पास दो कूलर्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं, तीन आते हैं। ऑब्वियसली सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे RGB वर्जन से, जो कि बेस मॉडल है, देन इज द SL इन्फिनिटी, एंड द टॉप वन इज द परफॉर्मेंस। सो फैंस का तीनों में मेजर डिफरेंस है, जो हमारा बेस मॉडल आता है RGB, उसके अंदर गैलाहार्ड में जैसे हमारे ST120 फैंस आते थे, सिमिलर फैंस यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे, बट दीज आर डेजी चेनेबल, जो कि एक बहुत ही मच नीडेड फीचर है आज के टाइम में। इट वॉज एबसेंट इन द गैलाहार्ड, बट गैलाहार्ड 2 ट्रिनिटी RGB में आपको डेजी चेनेबल RGB फैंस मिल जाते हैं। साथ ही साथ उसके ऊपर आता है SL इन्फिनिटी, यहाँ पे आपको सेम पंप एंड रेडिएटर डिजाइन मिल जाता है एज द RGB, बट यहाँ पे आपको फैंस अपग्रेड मिल जाते हैं, विच आर ऑब्वियसली द लियानली SL इन्फिनिटी एडिशन। एंड लास्ट जो थर्ड वर्जन है, दैट इज द परफॉर्मेंस, वो कंप्लीट ब्लैक या कंप्लीट व्हाइट में अवेलेबल है, यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल नहीं है, बट आई थिंक यू गाइज कैन डू अ क्विक गूगल सर्च जस्ट टू फाइंड अबाउट द परफॉर्मेंस एडिशन। परफॉर्मेंस एडिशन का जो मेजर डिफरेंस है, वो उसके फैंस हैं, विच आर ऑल ब्लैक या फिर ऑल वाइट, डिपेंडिंग अपॉन द वर्जन दैट विल बी गोइंग फॉर। लियानली P28 फैंस उसमें मिल जाते हैं आपको। लियानली P28 गाइज इज एन इंडस्ट्रियल ग्रेड फैन, एंड 4 mmHQ का आपको स्टैटिक प्रेशर मिल जाता है, विच इज द हाइएस्ट ग्लोबली आज की तारीख में। देर आर वेरी फ्यू फैंस इन द मार्केट, Noctua के हों या Lianli के, या obviously from a few other brand, जो कि इस type का static pressure offer करते हैं in this price bracket। अब बात कर लेंगे radiator, pump and tubes की, because these are the vital components of any liquid cooler। तो सबसे पहले हम यहाँ पे radiator से start करेंगे। Radiator आपको RGB and SL Infinity में same मिल जाएगा, but performance edition में आपको dual lining radiator मिलेगा। That means कि उसकी जो density है, जो fin per inch हम कहते हैं aluminium radiator में, वो सबसे ज्यादा मिलेगी। इट्स अ वेरी वेरी डेंस रेडिएटर, विच ऑब्वियसली परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट्स द P28 फैंस, जो कि परफॉर्मेंस एडिशन में आते हैं। ट्यूब्स की बात की जाए गाइस, तो ट्यूब्स में यहाँ पे 7 mm की आपको वाइडर ट्यूब लेंथ मिलती है कंपेयर टू द गैलाहार्ड, जिसका मतलब है जो कूलेंट का फ्लो है, दैट विल बी हायर। सो ऑब्वियसली यहाँ पे आप एक बेटर हीट डिसिपेशन, एक बेटर हीट रेडिएशन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम योर CPU एंड टू द रेडिएटर। अब सबसे वाइटल पॉइंट की बात, दैट इज द पंप। तो मैं सबसे पहले परफॉर्मेंस एडिशन के पंप की बात करना चाहूंगा गाइस, दैट इज अ ह्यूज पंप। वहां पे आपको बड़ी कोल्ड प्लेट, एंड द पंप इटसेल्फ इज वेरी वेरी हाई। वहां पे आपको जो प्रेशर हेड मिलता है, दैट इज द हाईएस्ट अमंगस्ट ऑल द थ्री वर्जंस। वेयरएज अगर हम यहाँ पे बात करें RGB की एंड SL इन्फिनिटी एडिशन की, तो यहाँ पे जो आपको पंप्स मिल रहे हैं वो स्टैंडर्ड हैं। यहाँ पे आपको बड़ी कोल्ड प्लेट मिलती है, विच इज 11% मोर देन द प्रीवियस जनरेशन गैलाहार्ड। सो दैट नॉट ओनली इंश्योर्स बेटर हीट डिसिपेशन, साथ ही साथ यहाँ पे आपको मिल जाती है लेस क्लॉगिंग, मतलब कि आपकी जो सेडिमेंटेशन का एक प्रॉब्लम आता है लिक्विड कूलर्स में विद टाइम, वो यहाँ पे आपको नहीं देखने को मिलेगी। तो लाइफ of the Galahad 2 Trinity is much more higher compared to any other cooler in the market। साथ ही साथ यहाँ पे 31% आपको increase मिलता है, upliftment मिलती है motor की power में, तो motor is bigger compared to the Galahad। तो यहाँ पे obviously आपको coolant का flow भी ज़्यादा मिलेगा, and like I always say कि यहाँ पे सारी चीज़ें complementing होनी चाहिए, तो it's a complementing package, denser radiator, thicker and wider tubes and a much more bigger pump। So overall यहाँ पे आप काफी ज्यादा performance upliftment expect कर सकते हैं in the Galahad 2 compared to the previous generation Galahad and obviously compared to most of the coolers in the market today। So guys, overall जो नई गैलाहार्ड 2 ट्रिनिटी सीरीज है, वो बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव है। इसके ऑब्वियसली पंप को आप तीन तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं, उसके बारे में मैं इस वीडियो में बात नहीं करना चाहूंगा, बिकॉज आई ऑलरेडी मेड अ शॉर्ट ऑन द सेम चैनल। अगर आप वो चेकआउट करना चाहते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डू मेक श्योर यू चेक दैट वीडियो एज वेल टू नो मोर अबाउट द डिफरेंट लुक्स ऑफ द पंप दैट द ट्रिनिटी एडिशन ऑफर्स। सो
अगर मार्केट में इस समय आप अपने लिए एक नया कूलर परचेज करना चाह रहे थे या यू आर जस्ट प्लानिंग टू यू नो बाय अ न्यू पीसी एंड स्पेशली अगर आप एक राइजन 7 या राइजन 9 या इंटेल 12 13 जनरेशन के i7 या i9 सीरीज के सीपीयू के साथ इस बिल्ड को कंप्लीट करना चाहते हैं देन यू शुड नॉट बी लुकिंग एट एनीथिंग एल्स इन द मार्केट बट द Lianli Galahad True Trinity. RGB लीजिए, SL Infinity लीजिए या परफॉर्मेंस लीजिए, दैट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर टेस्ट, योर प्रेफरेंसेस एंड एज वेल एज योर बजट. सो गाइज वीडियो को यहीं पर खत्म करेंगे, बट इन केस यू थिंक आई मिस्ड आउट ऑन समथिंग और आपके पास कोई फीडबैक है, डू मेक श्योर यू लीव दैट कमेंट इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो. एंड अगर अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट दैट बेल नोटिफिकेशन आइकन. सो गाइस वीडियो यहीं पे करेंगे खत्म. यू गाइस वर ग्रेट, आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट. टिल द नेक्स्ट टाइम टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड पीस.